भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खंडवल से लेके लाल चौक अनंतनाग तक एक तिरंगा रैली निकाली और जिसमें हजारों की तादाद में लोगों के हाथ में तिरंगा थे। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ, बुजुर्ग और पैदल हम चले गए खंडवल चौक से लाल चौक तक और वहां हमने झंडा भी गाड़ दिया। बट मैं कहना चाहूँगा कि आज जो अनंतनाग ज़िला में, पहले तो लाल चौक श्रीनगर में उन सियासतदानों को पता चल चुका था कि नहीं, कश्मीर के लोग जो है नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ हैं और हज़ारों की तादाद में लाल चौक श्रीनगर में तिरंगा रैली थी। आज उन सियासतदानों को जवाब था जिन्होंने कहा था कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। मैं आपकी मिसाल से कहना चाहूँगा उनको आना चाहिए था आज खंडवल से लेके लाल चौक तक, देखना चाहिए था कि कितनी बहनों के हाथ में, कितने बुजुर्गों के हाथ में, नौजवानों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, बेटियों के हाथ में तिरंगे थे, उनको उसका जवाब मिल जाता। और मैं आपकी वसात से कहना चाहूँगा उनको कि उनके घर के लोग भी हमारे साथ तिरंगे में शामिल थे, उनके हाथ में भी तिरंगे थे। तो मैं कहना चाहूँगा कि उनको लोगों को आप लोगों पर बनाइए। जम्मू कश्मीर के 70 लाख मुसलमान, कश्मीर के 70 लाख मुसलमान, जम्मू कश्मीर के 120 करोड़ आबादी नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा के साथ जुड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी जी के विचारधारा को पसंद करने लगे। आज आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और जिसमें सेलिब्रेशन अनंतनाग ज़िला में हज़ारों लोगों ने किया है, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने देशवासियों को कि आज 135 करोड़ देशवासियों को मुबारक है कि आज हमारा कश्मीर में भी झंडा एक, तिरंगा एक, निशान एक, विधान एक और प्रदान एक हो चुका है और अब इसको दुनिया की ताकत कोई अलग नहीं। देखिए, इसमें यह है कि 20 रुपया कोई बात नहीं होती है। 20 रुपया अगर आप जेब से निकालेंगे, आप झंडा उठा लेंगे और आपको पता है कि ये 20 रुपये का झंडा मेरे हाथ में है, क्योंकि रुपया सबको प्यारा होता है, तो मुझे लगता है कि आप उससे ज़्यादा उस झंडे की कदर करोगे, विश्वास उस पर करोगे कि नहीं, मैंने अपने मेहनत की कमाई से झंडा खरीदा है, मेहनत की कमाई, खून के पैसे से मैंने झंडा खरीदा है, मुझे इस झंडे की कदर करनी चाहिए। उसका मकसद यही है, पैसा बटोरना 20 रुपया कोई मामला नहीं है, अलबत्ता अपने देशवासी का सबूत दिखाना, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हमारी बहन हो, माँ है, तो हर एक को अपने जेब से 20 रुपये निकाल के झंडे को लेना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले 15 अगस्त आने वाला है, उससे पहले जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त हमने आज़ादी का दिन मनाया है। मैं नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं 5 अगस्त 2022 को, कि हमें उन सियासतदानों से छुटकारा मिल गया जो सियासतदान दफा 370 के आड़ में यहाँ के आवाम को बेवकूफ़ बनाते थे, उसके ऊपर वो अपनी सियासी रोटी सीखते थे और अपने एमएलए बनाते थे। आज उनके पास कुछ नहीं है। आज नरेंद्र मोदी ने उनको दिखाया कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं, मेरे दिल में वो बसते हैं, और ये जो शोशा फैला रहे थे दफा 370 हटेगा तो कश्मीर में हिंदू बसने आएंगे, मैं आपकी उस्ताद से कहना चाहूँगा उन सियासतदानों को जो ये झूठ बोल रहे थे, 3 साल मुकम्मल हो गए हैं, कश्मीर में कोई हिंदू बस्ती नहीं आया और कश्मीर से किसी मुसलमान को नहीं कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मुसलमानों का हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का हिंदुस्तान है, ये सिखों का हिंदुस्तान है और ये जम्मू कश्मीर के वासियों का हिंदुस्तान। गुड न्यूज फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर। Kashmir Girls Institute, Paripora, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls, along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students.
Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600-50-44060 or 888-99-50-5610.